तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जब एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा सेव का फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट होता है। तो उन फाइल फॉर्मेट में सेव करने का क्या उद्देश्य होता है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब हम फाइल को सेव करते हैं, सेव करते समय जब यहाँ पे हम फाइल का नेम और लोकेशन होता है, नीचे सेव एज टाइप होता है। जनरली आपके पास बाय डिफॉल्ट सेट होता है एक्सेल वर्कबुक, लेकिन मेरा जो सेट है वो है एक्सेल मायको अनेबल वर्कबुक, इसको मैंने चेंज किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने कोई मैक्रो की फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो मेरा सारा का सारा मैक्रो डिसेबल हो जाएगा। इसलिए हमने फाइल को सेव किया एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में, लेकिन इसलिए मैंने इसको डिफॉल्ट सेट कर दिया। तीसरा नंबर आता है, वो आता है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक। इसका यूज कब होता है, आगे चल के आप देखोगे कि आपके पास फाइल जो है 200, 300, 400, 500 MB की फाइल होगी, 500, 5 लाख से लेकर 10 लाख नंबर ऑफ रो का डेटा होगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब भी फाइल को आप ओपन करेंगे आपका फाइल काफी हैंग करेगा, फाइल का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में सेव करते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग्स और बाकी सब चीज को रिमूव करके सिर्फ डेटा को रखता है। तो इससे आपका साइज जैसे 500 MB की फाइल है तो बाइनरी वर्कबुक में सेव करते ही वो 300 MB की हो जाएगी। समझ गए बोल जी? तो इसका यूज नंबर ऑफ लार्ज फाइल को होता है। ऐसा नहीं कि मान लो कि 2 KB की 3 KB की फाइल है, चाहे 5 MB या 10 MB की फाइल है, उसमें इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा आपका, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ फर्क पड़ा। ये लार्ज फाइल में इस्तेमाल होता है। एक्सेल 97 से 2003 वर्कबुक। अभी क्या है कि अगर पुराने सॉफ्टवेयर को देखें, जैसे कि फॉक्स प्रो है, जैसे कि सैप है, ओरेकल है, ऐसे बहुत सारे फाइल है जो कि डेटाबेस में एक्सेल एक्सेलेस स्प्रेडशीट को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने उसको अपडेट करें, मान लीजिए एसक्यूएल सर्वर की बात करें, तो अगर आपके पास सीक्वल सर्वर 2008 चला रहे हो तो 2008 में क्या लग रहा है आपको कि आप एक्सेलेस वाली फाइल को अपलोड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 2008 जब एसक्यूएल 2008 बना, एसक्यूएल सर्वर 2008 बना था, उस समय ऑफिस चल रहा, एक्सेलेस चल रहा था ऑफिस, तो कंपनी जो इंफॉर्मेशन डालेगी वही डालेगी ना। तो कोई पुराना सॉफ्टवेयर जो कि 2006 से पुराना है, उन सॉफ्टवेयर में आप जो है एक्सेल वर्कबुक की फाइल नहीं डाल सकते, बल्कि डॉट एक्सेलेस एक्स को अपलोड नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको एक्सेल 97 से 2003 की फाइल को ही अपलोड करना पड़ेगा, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक आता है CSV, UTI-8, DLimited। CSV फाइल के बारे में जानते हैं वरुण जी? हेलो हेलो। मैं हाँ सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ नहीं CSV फाइल के बारे में जानते हैं? उतना नहीं। CSV फाइल होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। हम इसका यूज ज्यादातर हम लोग वेबसाइट्स में करते हैं। मान लीजिए कि डेटाबेस आपका है, तो डेटाबेस में क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट पे, मान लीजिए कि वेबसाइट में कोई डेटा को अपलोड आप कर रहे हैं, तो एक टेबल, एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट टेबल फॉर्मेट में, तो टेबल फॉर्मेट में क्या होता है कि कॉलन का सेपरेशन क्या है, ठीक है, कि कॉलन का सेपरेशन क्या है, तो रो का सेपरेशन तो लाइन हो गया, ठीक है। बराबर है, बराबर नोट है। CSV फाइल भी एक तरह की नोट पैड की फाइल होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि CSV फाइल में क्या होता है कि मैंने यहां पे नेम लिखा, नेम में हमने कॉमा दिया और यहां पे मैंने लिखा मान लीजिए रोल, तो CSV फाइल को जो अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो N को यहां पे रखेगा और R को यहां पे रखेगा, तो कॉमा सेपरेटेड क्या हुआ कि कॉलम को कॉमा से सेपरेट कर लेगा, तो कॉमा सेपरेटेड होता है। अब इसका इस्तेमाल ऐसा क्यों होता है,
क्यों सीएसटी फाइल इस्तेमाल करते हैं? उसका दो रीजन है। पहला रीजन साइज, कि फाइल की साइज हमारी कम हो सर्वर के ऊपर। दूसरा दूसरा कि इसमें कोई फॉर्मेटेड डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से ना दे, कॉमा सेपरेटेड ना दे, तो हम कैसे प्रोग्राम करेंगे कि भाई किस तरह से कॉलम चेंज करेगा? कोई कॉमा डालेगा, कोई डॉट डालेगा, कोई डैश डालेगा, कोई स्पेस डालेगा, तो सिस्टम कंफ्यूज जाएगा ना किसको कॉलम में डालना है। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा कि कॉमा सेपरेट होना चाहिए, तो उसको सीएसवी फाइल कहते हैं। क्या आती है एक्सएमएल डेटा। एक्सएमएल डेटा वेबसाइट की बैकएंड डेटा सोर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, बराबर है। एक्सएमएल फाइल इसको बोलते हैं। ये भी एक तरह का लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मान लीजिए कि आप लोग, पंकज जी, आपने इनकम टैक्स की कभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल की है? नहीं सर, मैंने रिटर्न नहीं भरी सर, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रिटर्न जब भरते हैं तो उसकी एक्सेल फाइल है, उसको जब फिल करने के बाद उसको एक्सएमएल में सेव करके फिर इसको अपलोड करना पड़ता है। तो एक्सएमएल वेबसाइट की बैकएंड डेटा के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें आप एक्सपोर्ट करना है सिंगल फाइल फॉर वेब। ये वेबसाइट डिजाइन, मान लीजिए कोई वेब पेज टाइप का आपने डिजाइन किया है, तो उसको आप वेब पेज पेज में सेव कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक मैं लेता हूं, मान लीजिए मैंने अपना ये रिपोर्ट ओपन किया है। अब मुझे इस रिपोर्ट को अपने इंटरनेट के ऊपर डालना है कि इंटरनेट पे दिखे, समझे? इंटरनेट पे एज ए वेब पेज की तरह दिखे। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इतना सारा झमेला आपको अपने इंटरनेट, अपने वेबसाइट पे करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग, सीएसएस की प्रोग्रामिंग और बहुत सारे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह का व्यू आपको दिखेगा। और प्रॉब्लम है कि डेटा अपडेशन और बाकी चीजों में काफी दिक्कत होगा। समझ रहे बात को? कि आप अपने वेबसाइट में एक ऐसा पेज लाना चाहते हैं जहां पे इस तरह का जो रिपोर्ट आप यहां देख रहे हैं, ऐसे वेबसाइट पे आप दिखाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि इजीली हो जाएगा? इसके लिए बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा सीएसएस की प्रोग्रामिंग करके पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ग्राफिक्स डालने पड़ेंगे, ग्राफिक्स को कनेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे झमेले हो जाएंगे। लेकिन एक तरीका है कि मैं इसको सेव एज करूंगा ब्राउज, और मैं डेस्कटॉप पे करता हूं, मैं यहां पे करता हूं सिंगल वेब फाइल टेल फाइल पेज, और मैं इसको पब्लिश कर सेव कर। यस, अब देखिए ये सिंगल इस तरह का फाइल फॉर्मेट बन के आ गया, ठीक है? MHTML डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। अब मैं इसको इजीली ओपन करूंगा अपने वेबसाइट पे। देख रहे हैं? हाँ। इससे क्या हुआ, अब मान लीजिए कि अगर इसको वेबसाइट बनाते तो हर ग्राफिक अलग है, तो बहुत सारा फाइल हो जाता। इसे सिंगल वेब फाइल में कनेक्ट कर दिया, अब इस फाइल को अपने सिस्टम पे हम अपने वेबसाइट के वेब सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये बेनिफिट है। अब सिंगल के बाद एक वेब पेज भी होता है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक वेब पेज बनाना है। वेब पेज, सिंगल वेब पेज में क्या होता है, कोई बहुत सारी चीज उसको देख रहे, डिफॉल्ट ओपन क्लिक करते ओपन नहीं होता है, अलग से ओपन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन होता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इसको वेब पेज फाइल बना देता हूं। तो ब्राउज में जाके यहाँ सिंगल वेब पेज जगह पे वेब पेज ले लेते हैं। लेकिन वेब पेज में होता क्या है कि बहुत सारे फाइल, फिर इसको वेबसाइट पे अपलोड करने में, लिंकिंग करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है?
अब यहाँ पे आप इसको है। वेब वेब पेज बना के ओपन कर, अब इसको हम सेव कर देते हैं। आप देखेंगे ये जो फोल्डर हमने एसआई के बनाया उस पर देखिए कि एक तो फाइल बना, इस फोल्डर के अंदर देखिए कितने फाइल्स बन गए, देखा हाँ तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतने फाइल्स को अपलोड करने पड़ेंगे आपको, सिंगल वेब पेज फाइल में ऐसा नहीं होता, समझ गए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब बेनिफिट कहां पे कैसे यूज करोगे आप डिसाइड करोगे कहां पे क्या होगा। उसी तरीके बराबर। से सेव एज में हमारे पास ब्राउज के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट होती है, तो टेम्पलेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टेम्पलेट फाइल बनाती है, जैसे कि न्यू में आपके पास टेम्पलेट होते हैं ना, इस तरह के टेम्पलेट फाइल बनाती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं टेम्पलेट में, एक तो टेम्पलेट हुआ आपका एक्सेल का, दूसरा आता है माइक्रो का टेम्पलेट, तीसरा टेम्पलेट है आपको जो 97 से 200 का, और टेक्स्ट जैसे उसको नोट पैड की फाइल में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। टैब लिमिटेड मतलब उसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम का सेपरेशन क्या होगा, टैब होगा। बराबर। यूनिकॉन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लेगा लेकिन इनमें कुछ भी सेपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल मतलब कि हम यूनिकॉन कर दे, यूनिकोड कर देगा। अब जैसे कि हमने एक्सएमएल डेटा के बारे में बोला था कि ये भी सेम करता है लेकिन 2003 के फॉर्मेट में करता है। अब चौथा जो है हमारा एक्सेलस, आपका जो आता है 5.0। अब क्या था कि शुरुआत में जो एक्सेल इस्तेमाल हुए थे वो इस्तेमाल हुए थे हमारा ऑफिस 95। तो ऑफिस 95 अगर कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है तो इसका आप इसका यूज कर, आप बोलोगे सर ऑफिस 95 को कोई क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत सारे पुरानी कंपनियां जो थी, क्योंकि तो हम आप जो है इंडिविजुअली परचेज करते हैं लेकिन कंपनियों को तो पूरा एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और पीसी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके एक्सेल में ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम होता है उनके यहाँ, तो वो लोग क्यों खर्चा करें, वो पुराने वर्जन में काम कर रहे। अब यहाँ पे एक सीएसबी आ गया, तो ये सीएसबी जो है UFD 8 का वर्जन है, ये आपका नॉर्मल है। एक आता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसमें जो फॉर्म ये भी नोट पैड की तरह वर्क करता है लेकिन ये क्या करता है, जो टाइप इसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट का फॉर्मेट होता है वो लेके आता है, और स्पेस डिलिमिटेड होता है। ये ऊपर क्या है, टैब डिलिमिटेड है, ये आपका स्पेस डिलिमिटेड है। ये आपका मैकन टास्क के लिए, मैकन टास्क के इस्तेमाल होता है उसके लिए टेक्स्ट, जैसे नोट पैड की फाइल बनाना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि वो एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं मैकिंटोश उसके ऊपर चले, तो उसके लिए यहाँ सेव कर सकते हैं आप। डॉस के लिए जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है उसके लिए करना चाहते हैं उसके लिए बना सकते हैं। सेम सीएसबी मैकिंटोश के लिए, मैक के लिए, और ये आपका डॉस के लिए बना सकते हैं। डीआईएफ फाइल जो है ये होता है डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के जो फॉर्मेट है, जैसे कि हमारे इंडियन इंडिया का जो पीएफ का जो ऑफिस है उसमें डीआईएफ फाइल चलता है, हालांकि मैंने आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया है डीआईएफ फॉर्मेट को। दूसरा आता है SYLK, सिंबॉलिक लिंक बोलते हैं इसको, ए भी जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है, ए भी मैंने अपने करियर में इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं बता सकता। एक्सेल एडिस, जैसे आपने कोई माइक्रो फाइल बनाई, उस माइक्रो फाइल को अगर आप जो है बहुत सारे लोगों को ये करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैंने आप मैंने बनाया फाइल, जैसे कि हुआ ना एक्सेल का टेम्पलेट कैसे हुआ, ऐसे माइक्रो का टेम्पलेट कॉल एडिंस कहलाता है। तो ये एक्सेल का एडिंस होगा, ये आपका एक्सेल 2003 का एडिंस एडिंस होगा, और पीडीएफ पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, आपको पता है एक्सपीएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट पता है आपको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। सुना है पर मुझे इतना आइडिया नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी, मान लो इसी को मुझे प्रिंट करना है,
बराबर। तो प्री मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंटर प्रिंट कर लेंगे ना, लेकिन जब प्रिंटर नहीं है तो क्या करेंगे? मान लीजिए किसी के आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा, उसकी पेमेंट की उसकी रिसीविंग आपको आया, तो बराबर बहुत सारी वेबसाइट रिसीविंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे आपको उसकी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। अच्छा अब आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, बराबर है। तो आप अगर उसकी रिसीविंग आपको चाहिए इन फ्यूचर में उसकी इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आप एक्सपीएस में सेव कर लीजिए, बराबर तो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर देगा आपको, प्रिंट ना करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके जो भी प्रिंटिंग कमांड होगी उसको सेव कर देगा। तो सेम फॉर्मेट में आप सेव करने के लिए एक्सपीएस का जो फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं। एसटी कॉमन एक्सएमएल स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का एक अलग है, एक आता है ओपन डॉक्यूमेंट सर सर स्प्रेडशीट। ये सर सर ये जो एक्सपीएस है, हेलो, हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर, जो ये एक्सपीएस है इसके अंदर सेट करने की जरूरत नहीं है? जब प्रिंट की कमांड जाएगी तो अपने आप सेट हो जाएगा? प्रिंट कमांड जो प्रिंटर निकालेगा ना, वो प्रिंट कमांड ना देकर उसको सेव कर देगा, प्रिंटर को नहीं देगा वो। एक तरह से प्रिंटर को नहीं देगा तो प्रिंटर का ड्राइवर मान लीजिए ना, प्रिंटर ड्राइवर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जैसे अच्छा सॉफ्टवेयर एक ड्राइवर है। बनाता हूँ इसका यूज मैं, एक तो आप अपने आम आदमी इसका इस्तेमाल इसमें कब करता है, जब जैसे कि बोले ना आपको कुछ फॉर्म भर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ रिसीविंग आया, उसको सिर्फ प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेजेस के फॉर्म हुए या फिर किसी गवर्नमेंट नौकरी का एप्लीकेशन हुए, या आप रेलवे का टिकट बना रहे हैं, समझ गए? तो अच्छा एक्सपीरियंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक प्रोग्रामर कब करता है, मान लीजिए मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, और मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन मुझे अपने सिस्टम में प्रिंट का कमांड तो सेट करना है ना, क्या मैं प्रिंट कमांड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छा तो एक्सपीरियंस के जरिए भी हम चेक कर सकते हैं। एक ओपन कमांड डॉक, चेक कर चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, प्रिंट कमांड एक फॉर्मेट होता है। दूसरा आता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट क्या है कि जब एक्सेल नहीं था तो स्प्रेडशीट था, तो उस स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में सेव कर, स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में सेव होगा तो जितने भी टेबल्स जो स्प्रेडशीट एनेबल सॉफ्टवेयर है वो सारा इसको एक्सेस करेगा, समझे? ये हमारे एक्सेल के फाइल फॉर्मेट है। सर ये अभी आपने जैसे बताया इस ओपन डॉक्यूमेंट का, इसका की फीचर यूज है ओपन डॉक्यूमेंट लास्ट वाला, सबसे लास्ट ओपन वाला? डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है जिसकी बहुत सालों के, मान लीजिए सिस्टम में एक्सेल नहीं है, हाँ जी मान लीजिए कॉल सेंटर है, आप कॉल सेंटर के एक्सेल की क्या जरूरत है, कॉल सेंटर चला रहा है उसके बाद 10,000 कंप्यूटर्स हैं, तो 10,000 कंप्यूटर में टेलीकॉलिंग बैठते हैं और कॉल कर रिसीव करते हैं, कॉल करते हैं, उनको एक्सेल की कोई जरूरत नहीं है, उनको कॉल करना और कॉल रिसीव करना है, तो उनको हाँ तो जी एक्सेल देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तो अगर 10,000 पीसों में एक्सेल का लाइसेंस अगर कंपनी लेगी तो काफी कितना खर्चा हो जाएगा। हाँ जी तो वहां भी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट का इस्तेमाल होता है। देखिए कुछ फाइल्स है, ये कुछ भी एक हाँ इंफॉर्मेशन है, कोई रिपोर्ट होगा भेजना हो तो कैसे भेजे, कैसे वो यूज करेगा, तो ओपन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सेल की फाइल को ओपन कर सके, तो उसको ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट कहा अच्छा जाता है। ठीक है, मतलब आप ये कहने जा रहे हैं कि अगर ऑफिस नहीं इंस्टॉल है तब भी चलेगी फाइल? हाँ, ठीक है गूगल तो सीट पे है, जितने भी हाँ ठीक है स्प्रेडशीट ठीक है वाले सर ठीक साइन है समझ सब गया पे वर्क करेंगे। ठीक है हाँ वरुण ठीक जी, है सर। अच्छा सर इसमें सर इसमें एक चीज पूछनी थी, हेलो हम बोलिए। सर, इसमें जो ऊपर एक आपने बताया सीएसवी वाला ना, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने अगर कुछ चेंज करा और दोबारा मैंने फाइल ओपन करी तो चेंजेस सारे हट जाते हैं उसमें? इसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है सिर्फ, हाँ वो ये चीज नहीं पता, क्योंकि कई बार जब फाइल आती है आईटी से तो हम कुछ काम करते हैं और गलती से उसे उसी फॉर्मेट में सेव कर दिया, फिर वापस ओपन किया तो सब कुछ लॉस्ट हो हाँ जाता है। सब फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला होगा जितना फॉर्मेटिंग होगा सब लॉस्ट हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू सेव होता है।
और सर फिर आपने इसके मेनली दो यूज बताए थे। पहला यूज तो कि ये जो जो भी ये स्टोर करता है साइज वो कम लेता है, और दूसरा क्या बताया सर आपने? गूगल इसके लिए वेबसाइट के, जैसे मान लीजिए गूगल कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ अब मान लीजिए कि आपने मेरे से वीडियो भेज डाला था कि किस तरीके से हम आउटलुक की मतलब कि जीमेल के कॉन्टेक्ट को आउटलुक पे स्टोर कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। शायद आपने देखा नहीं, वो लिंक मैं आपको भेज देता हूँ तो आपको सीएसवी का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी इस पे है यूट्यूब चैनल पे कि आउटलुक क्या हुआ कि मान लीजिए मैं जीमेल यूज कर रहा था, लेकिन जीमेल के हाँ बाद जी मुझे आउट मैं जीमेल इंटरफेस यूज कर रहा था, मुझे अब आउटलुक इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे सारे जो ईमेल आईडी है वो आउटलुक पे है, तो इस पे है जीमेल पे, तो जीमेल की आउटलुक को डाउनलोड करके किस तरह से हम आउटलुक में इंस्टॉल करेंगे, आउटलुक की आईडी को जीमेल में इंस्टॉल करेंगे, समझे। ये चीज है, ये चीज का लिंक मैं आपको भेजता हूँ, आप इसको देखिए, आपको जीएसटी का पता चल जाएगा। ठीक है सर। और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लिंक्स आपको जितने भी है, कुछ कुछ ऐसे प्रमोशनल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि क्लास सर में इस पे कभी डिस्कस आपने करता हूँ नहीं हाँ करता मैंने हूँ। सर मैंने वीडियोस देखे हैं सर। मुझे सर इसमें वीडियोस में मुझे आपसे ये पूछना था, जो बीबीए के जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, क्या वो आपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं? नहीं बहुत कम ना, मैं उतना पता नहीं चलता, डाल रखे होंगे, हाँ डाल भी रहेंगे, लेकिन मेरे पास है लिस्ट, वीवीए स्टार्ट होगा तो मैं आपको समझा लूंगा कितना। अच्छा ठीक है सर। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी दो बच्चे, एक वरुण जो कि आउट ऑफ इंडिया से थे और एक पंकज थे जो कि मुंबई से थे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बैठे थे और अपने घर से बैठ के मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन क्लास ले रहे थे। आप भी चाहो तो हमारी ये क्लासेस ले सकते हो जो कि आप अपने घर में बैठ के हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए आप मेरे साथ क्लास लेंगे। क्लास जो है ये आपकी इंटरेक्टिव वन टू वन लाइव क्लासेस होगी, और जो भी प्रॉब्लम आपके पास होगा हर प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन की जाएगी। तो अगर आप मेरे साथ क्लास लेना चाहते हैं तो आप तुरंत वेबसाइट iptindia.com को लॉगिन कीजिए, वहां पे जाके आप डेमो क्लासेस का रिक्वेस्ट फॉर्म भरिए और हमारी क्लासेस लीजिए। कोई डाउट हो किसी तरह के एक्सेल में तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ये नंबर पे व्हाट्सएप पे भी है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।